मैं जब किसान आंदोलन में पहली बार गया तो भाई वहां जो जाट गुजर समाज के लोग थे, ये पता नहीं था कि हम भंते जी होते हैं। तो हमसे कहते थे, बाबा जी आप आ गए, योगी को नहीं समझा पाया। उन्हें ये पता ही नहीं, देखा सरदी इनका मुड़ा है, बाबा का भी मुड़ा है, और ये भी ऐसे घूम रहे, ये भी घूम रहे। अब उन्हें पता नहीं था कि वो बाबा अलग है, हम बाबा अलग है। ये 5-4 महीने लगे मंच पे हम बोलते थे, तब जाके पता चला था ये भी माले बाबा के दूसरे बाबा है। बाबा साहब ने अपने दुख को जाहिर करते हुए उन्होंने अपने वरियों में लिखा है कि अकेले एक दिशा में उत्थान कर लेना पर्याप्त नहीं है, जब तक हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सरकारी सेवाओं में जिससे राज्य सुनिश्चित ना कर ले, वो किसी भी तरह का हमारा सक्सेस नहीं हो सकता। आज हमारे देश में अलग अलग तरह से लोग चला रहे हैं, कोई 20 साल का युवा नेतृत्व कर रहा है, कोई 30 साल का कर रहा है, कोई गलही पैदा हुआ है करने लगा है, कोई अपना वीडियो बना के डाल देता आंदोलन करने लगता है। एक प्रखर आंदोलनकारी 25 वर्ष संघर्ष करने के बाद बनता है। बहुजन समाज में काम करते हुए आप सम्मान की आशा ना करें, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जिंदा पर कभी सम्मान नहीं करते हैं, मरने के बाद पूजा जरूर करते हैं। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे भारत के कोने कोने से IAS, DCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, किसान, किसानों के नेता, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापन करता हूं। आज के 2500 वर्ष पहले जिस आंदोलन का आगाज तथागत बुद्ध ने किया था, वह आंदोलन समतामूलक समाज की स्थापना की लड़ाई थी। आंदोलन मान सम्मान की लड़ाई थी, हिस्सेदारी की लड़ाई थी, और उस आंदोलन को लोगों ने पूजा पाठ से जोड़कर भगवान बुद्ध के धर्म को भी पूजा पाठ का रास्ता बना दिया। मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि दलाई लामा जी की जब भाषण देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, 11 देशों में मुझे प्रधानमंत्री का सम्मान मिलता है, लेकिन जब मैं तिब्बत की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज यही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। बाबा साहब ने अपने दुख को जाहिर करते हुए उन्होंने अपने वरियों में लिखा है कि अकेले एक दिशा में उत्थान कर लेना पर्याप्त नहीं है, जब तक हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी सुनिश्चित ना कर लें, वो किसी भी तरह का हमारा सक्सेस नहीं हो सकता। शोषण करने वाला और शोषित तो होने वाला, इन दोनों लोगों की लड़ाई आज के लिए बहुत पुरानी है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छी नौकरी करें, आप अच्छी कार पर चले, अच्छा घर बनाएं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि हमें ही ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, बाकी लोग पैरों से पैदा हुए। ये लड़ाई आज की नहीं, बहुत पहले की है। मैं चाहता हूं ये जो मान सम्मान की लड़ाई है, हक अधिकारों की लड़ाई है, उसे अकेले कोई नहीं लड़ सकता। अगर अकेले कोई लड़ता है तो लोगों का साथ चाहिए होता है। आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी ने उस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़कर अपना पुराना नाम त्याग कर वो बौद्ध बने, उदित राज बने, ऐसा सब नेता नहीं कर पाए। बातें बहुत बहुत लोग लंबी लंबी करते हैं, लेकिन इसके लिए जिगरा चाहिए, भाजपा चाहिए, और कष्ट कुछ कर गुजरने की तमन्नाओं का सिलसिला चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति संस्कार छोड़ पाता है, पुराने निशान छोड़ पाता है, माइग्रेशन करके हक वंचित असहाय समाज के लिए लड़ना सीख पाता है।
डॉक्टर उदित नाथ जी ने करके दिखाया। ये जांचें और परखे देखती हैं। मैं चाहता हूं कि बहुजन आंदोलन आज पूरे देश में अलग अलग तरह से लोग चला रहे हैं। कोई 20 साल का युवा नेतृत्व कर रहा है, कोई 30 साल का कर रहा है, कोई कल ही पैदा हुआ है करने लगा है, कोई अपना वीडियो बना के डाल देता आंदोलन करने लगता है। एक प्रखर आंदोलनकारी 25 वर्ष संघर्ष करने के बाद बनता है। 25 साल लग जाते हैं तब वो सीख पाता है कि दुनिया क्या है, मुझे इससे कैसे लड़ना है। मुझे लगता है कि डॉक्टर उदित नाथ में ये सारी चीजें पाई जाती है। यहां नौकरी पाने के लिए लोग लालायत हैं, वह व्यक्ति नौकरी छोड़ करके चला आया आपके लिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग उनके हाथ मजबूत करें और ये जितने भी समस्याएं हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं। बाबा साहब ने भी काला राम मंदिर के मंदिर में प्रवेश करते हुए कहा था कि अगर मेरे अगुवाई करने पर महालोगों को अगर डाउट होता है कि मैं अगुवाई नहीं कर पा रहा हूं या कमजोर हूं तो मैं पीछे चलने को तैयार हूं, कोई आगे आके तो दिखाए। आज ऐसी स्थिति है, हमें उनका साथ देना है, उनके हाथ मजबूत करने हैं और इस आंदोलन को चलाना है। बहुजन समाज में काम करते हुए आप सम्मान की आशा ना करें, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जिंदा पर कभी सम्मान नहीं करते हैं, मरने के बाद पूजा जरूर करते हैं। ये जो समाज हमारा है जिसमें हमारा जन्म हुआ है ये जिंदा पर कभी सम्मान नहीं आपका करेंगे, लेकिन जब इस संसार से आप विदा हो जाओगे तो ये मूर्ति लगा के पूजा जरूर आपकी करेंगे, ये तय है। इसलिए बहुजन आंदोलन में काम करने वाला, चमेरा समाज में काम करने वाला, हक वंचित असहाय कमजोर वंचित समाज में काम करने वाला नेता सामाजिक व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा ना करे, भूल जाए कि हमें सम्मान मिलेगा। अगर यही सारी चीजें इन लोगों में होती तो आज ये चेहरे पर मेरे चमक है, आप सब लोगों के चमक है। इसकी उम्र ज्यादा नहीं, 75 साल है जब से हमें संविधान मिला है। इसके पहले हम गुलाम थे, आजादी हमें जरूर मिली लेकिन आजकल और दूसरे लोग अंग्रेजों का रोल अदा कर रहे हैं जिन्होंने आपको गुलाम कर लिया है। अगर यही सिलसिला ढिलमो रवैया आपका रहा, चंदा करके कार्यक्रम कर लेना, निर्णय न ले पाना, ऐसे ही अगर आप करते रहे तो जो कुछ आपके हाथ में बचा है वो भी जाता रहेगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं सामाजिक आंदोलन चलाने वालों की टीम परिसंघ बना दे, धार्मिक आंदोलन करने वालों की टीम परिसंघ बनाए, राजनीतिक आंदोलन करने वालों की टीम परिसंघ बनाए और आर्थिक आंदोलन सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन करने वालों की टीम परिसंघ बनाए और चारों पांचों टीमें आपस में एक दूसरे के विरोधी ना हो। अरे कम संख्या वाले लोग आपस में मिल गए और मिलकर के पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, आपके पास तो कोई लोगों की कमी नहीं है, फिर भी लाइक माइंडेड लोग अलग अलग दिशा में मिलकर के काम करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। और परिणाम ही नहीं आएगा बल्कि संपूर्ण आजादी की तरफ हम चल पड़ेंगे। ये निर्णय हमें आज लेना पड़ेगा। जैसे मैं सतत पूरे देश में घूम रहा हूं, धार्मिक जितना भी काम हो, धर्म से रिलेटेड कुछ भी करना हो, मुझे परिसंघ कहे कि पंडित जी ये काम करना है, मैं हमेशा उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और इस बहुजन समाज में मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जितने ज्यादा जातिवादी वो नहीं है जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है, उनसे कई गुना जातिवादी हम लोग। मैं बहुत भिक्षु हूं, मुझे 36 साल हो गए चीवर पहने, मैं रोज देखता हूं लोग मुझे खाना खिला देते हैं, बाद में कहते हैं तुम किसी कौन बरादरी के हो। मैं पूछता हूं कितने दिन हो गए आपको बौद्ध धर्म स्वीकार किए, कि 25 साल हो गई, सोचिए 25 साल में जाति नहीं छोड़ पाए और धर्म में शामिल नहीं हो पाए, जबकि बुद्ध कहते हैं नदियां जब तक बहती हैं अपने क्षेत्र में उनका अपना नाम होता है,
और जब नदियां जाकर के समुद्र में गिर जाती हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है। ये भूतरूपी समुद्र है। जब आप यहाँ आ गए हैं, क्या जाति बिरादरी देख रहे हो? दर्द देखो, हमारे आपके दर्द एक है, समस्याएं एक है, हम वंचित हैं, कमेरा है, असहाय हैं, और मिलकर के साथ दीजिए रसाती के मंदिर की। इस देश भारत में जातियों के किले बहुत बड़े बड़े बनाए गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो राजनीतिक किले हो, चाहे वो सामाजिक किले हो, लेकिन उस बड़ी ताकत के सामने ढह गए, चल नहीं पाए। अगर आप भी जातियों के किले बनाते रहोगे, एक एक करके मारे जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि बहुजनों का किला बनाइए, शोषितों का किला बनाइए, वंचितों का किला बनाइए, हक वंचित असहाय और कमेरों का किला बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप विजयी होंगे और फिर पुनः राजा बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और उस दिशा में डॉक्टर साहब काम कर रहे। मैं जब किसान आंदोलन में पहली बार गया, तो भाई वहां जो जाट गुजर समाज के लोग हैं, ये पता नहीं था कि हम भंते जी होते हैं। तो हमसे कहते थे, बाबा जी आप आ गए, योगी को नहीं समझा पाया। उन्हें ये पता ही नहीं, देखा सर भी इनका मुड़ा है, बाबा का भी मुड़ा है, और ये भी ऐसे घूम रहे, ये भी घूम रहे। अब उन्हें पता नहीं था कि वो बाबा अलग है, हम बाबा अलग है। ये 5-4 महीने लगे मंच पे हम बोलते थे, तब जाके पता चला, अच्छा ये जय भी माले बाबा दूसरे बाबा है। एक पावर बना ना, अगर हम नहीं जाते तो कैसे लोगों को पता चलता कि बहुत रंग भी होता है और भंते जी भी होते हैं। इसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। एक रमाकांत यादव है, उत्तर प्रदेश के बड़े मजबूत नेता है। मैं उनके घर गया, मैंने कहा यादव जी आप 4 गाड़ियां और ले लीजिए, 20-25 राइफल वाले रख लीजिए, लेकिन आप मानसिक गुलाम हैं तो हैं कि कैसे महाराज हम गुलाम हैं, हम ये कलावा जो पहन के घूम रहे हो गुलामी का ही है। तो रमाकांत यादव उसी दिन कैंची मंगा करके कलावा काट देते हैं और कहते हैं कि हमसे छोटी उम्र का बाबा हमको ज्ञान दे रहा है। लेकिन हमारी समझ में ये बात आई, आप समझिए, मानसिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी जब तक हम करते रहेंगे, हम कभी भी शासक नहीं बन सकते, कभी भी सुपर नहीं बन सकते। यह हमें त्यागनी होगी और कोई हमें लीडर चुनना पड़ेगा। इस आंदोलन के लिए डॉक्टर उदय दास से अच्छा कौन लीडर आप बताइए, कोई और अच्छा है? अगर इन्हें भी वो होता तो ये भी घर में बैठे होते। इनकी पत्नी अफसर है, ये खुद अफसर थे, क्यों रोडों पर निकल आए? ये भी बड़ी कोठी बनाकर के बैठे होते, लेकिन इनके कुछ करने का कुछ मन में है, ये करना चाहते हैं, आग लगी है इनके मन में, दिल में। इसलिए हम सब लोग इनका साथ दें। और मैं ऐसे बहुत भिक्षु पूरे परिश्रम से अपील करता हूँ, धर्म के तौर पर मुझे कोई भी काम आप दीजिए, हम उम्मीद हमसे करिए, याचना अपेक्षा करिए, मैं हमेशा आपके साथ लगा हूँ, करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम सब लोग मिलकर भी काम करें, तभी हम लोगों की विजय होगी। अलग अलग किला बनाने से कुछ मिलने वाला नहीं है।